एमकेएन ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मेरा जो फोनपे का एक अनुभव रहा है उसको साझा करने का प्रयास करूंगा। फोनपे के फेल्ड रिचार्ज का एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं अपना जो टाटा स्काई है उसको रिचार्ज कर रहा था फोनपे के थ्रू। मैं उसको क्यू आर कोड स्कैन करके मैं उसको रिचार्ज कर रहा था, तो ट्रांजेक्शन तो पूरा यहाँ पर कम्प्लीट हो गया। तो यहाँ पर जैसे क्यू आर कोड स्कैन होता है उसके बाद ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, पूरा कम्प्लीट हो गया, प्रोसेस कम्प्लीट हो गया। लेकिन जो मेरा टाटा स्काई का वैलिडिटी था वो यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुआ। तो पहले तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, 24 आवर तक इसको छोड़ दिया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि टाटा स्काई रिचार्ज करते हैं तो उसमें वैलिडिटी जो है वो शो करने में थोड़ा समय लगता है। तो पहले 24 आवर मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, उसके बाद मैंने फिर उसको चेक किया तो फिर भी टाटा स्काई में मैसेज आ रहा था कि आपका अकाउंट जो है वो एक्सपायर हो गया है, वैलिडिटी एक्सपायर हो गया, उसको आप रिचार्ज कीजिए। तो उसके बाद मैंने अपना फोनपे का ऐप ओपन किया और उसमें जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है उसको ओपन किया। उसके बाद उस ट्रांजेक्शन पर नीचे जो कॉन्टैक्ट फोनपे का सपोर्ट होता है उसको सिलेक्ट किया और वहाँ पर नॉट क्रेडिटेड टू मर्चेंट इस तरह का कुछ ऑप्शन होता है, यहाँ पर मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट लगा दूंगा उसका एग्जैक्टली क्या था। तो उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया और अपना जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर करा लिया। तो वहाँ पर फोनपे से रिप्लाई आ गया कि अकाउंट जो है, अमाउंट जो है वो तो मर्चेंट के अकाउंट में पहुँच चुका है और आप अपने बैंक के साथ जो चार्जबैक है उसको रेस कर सकते हैं, बैंक में आप जाकर वहां पर कंप्लेंट कर सकते हैं 60 डेज के अंदर। तो यहां पर देखिए, मैंने सोचा कि अमाउंट अगर मर्चेंट को पहुंचा है तो क्यों ना मैं मर्चेंट को ही कॉन्टेक्ट कर लूं, क्यों ना मैं टाटा स्काई को ही कॉन्टेक्ट कर लूं, क्योंकि यहां पर देखिए मैं फोनपे का भी कस्टमर हूँ, टाटा स्काई का भी कस्टमर हूँ और बैंक का भी कस्टमर हूँ। तो फोनपे को तो मैंने कॉन्टेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं मर्चेंट को कॉन्टेक्ट करूंगा या तो मैं बैंक को कॉन्टेक्ट करूंगा। तो मैंने सोचा कि चलिए देखते हैं, पहले मर्चेंट को ही कॉन्टेक्ट करके देखते हैं, क्योंकि फोनपे का ये कहना है कि पैसे जो है वो मर्चेंट के अकाउंट में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने टाटा स्काई का जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पर कॉन्टेक्ट किया, या उसके बाद 24 आवर के अंदर मुझे अपने पैसे जो है वो रिटर्न मिल गए, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जो है वो वापस क्रेडिट हो गया। तो इस तरह का मेरा फोनपे फेल्ड रिचार्ज का अनुभव रहा है। क्योंकि आपके काफी सारे कमेंट आ रहे हैं, अभी रिसेंटली आपके काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि फोनपे फेल्ड ट्रांजेक्शन का आपकी परेशानी है, फेल्ड रिचार्ज, आप रिचार्ज कर रहे थे आपका रिचार्ज नहीं हुआ, फेल हो गया, इस तरह की परेशानी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक अनुभव, छोटा सा अनुभव है, उसको आपके साथ शेयर कर लूं ताकि आपको इससे कोई ना कोई जानकारी मिल जाए। तो आपका किस प्रकार का अनुभव रहा है फेल्ड रिचार्ज का, या फिर फोनपे की तरफ से फेल्ड ट्रांजेक्शन का किस प्रकार का आपका अनुभव रहा है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। फोनपे फेल्ड ट्रांजेक्शन पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, उस पर भी आपका काफी सारा प्यार बना हुआ है। लेकिन देखिए, एक बात होता है कि नियम एक बात होता है और उसको लागू करना एक बात होता है। नियम तो कई सारे होते हैं लेकिन कई बार प्रैक्टिकली देखा जाए तो सिचुएशन कुछ अलग तरह का होता है। इसलिए मैंने सोचा कि अपना एक अनुभव आपके साथ साझा कर लिया जाए। आप अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।